वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिंदगी जी लो यार, फिर क्या भरोसा। और ये वही वेगेटर बीच है जहाँ पे उस दिन मैं अकेला था। आज आपको बैक व्यू से बताता हूँ कितने टूरिस्ट आ चुके हैं, देखो आप। सो गुड इवनिंग, एज यूजुअल वेगेटर बीच पर ही हूँ मैं। और एक्चुअली अभी मैंने बात करी है यहाँ पर एक कोस्ट गार्ड से, उनके साथ वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है और जो समझ में आया है मैं आपको शेयर करता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं तो अच्छा लगेगा। तो जैसा कि वो बता रहे थे कि अभी जैसे हाई टाइड है, तो आपको एक एक चीज़ में बताता हूँ। हाई या आप यहाँ पे फ्लैग देख रहे हो, ये रेड फ्लैग रहते हैं, इसका मतलब है हाई टाइड वाला है, आपको बीच में नहीं जाना है, ठीक है। हर यहाँ पर, हर बीच पर, हर एरिया में कोस्ट गार्ड्स हैं, ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए, जो आपको इंसिस्ट करते हैं कि इस साइड मत जाओ, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली उनका जो है कोस्ट गार्ड की जॉब के लिए भी बहुत कंपटीशन होते हैं। लाइक उनने कहा कि हमको 1 से 1.5 किलोमीटर स्विमिंग करना पड़ता है, अंदर तक जाना पड़ता है, और मैराथन होती है, हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। और अगर इनके सेफ्टी में, सेफ्टी एरिया में अगर कोई डूब जाता है, लाइक वो बोलते हैं कि कोई डूबता है हम बचाने जाते हैं, अगर बाई चांस कोई डूब जाता है तो इनका फिर ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर इज लाइक अगर घर से सबसे दूर तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, ठीक है। और हाई टाइड वाला यही रहता है, अक्टूबर के बाद ये बोलते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और हमेशा कोस्ट गार्ड जो सेफ्टी गार्ड्स रहते हैं उनके पास एक तो जाने का बोलते हैं, उसने क्या बताया था मुझे, एक ट्यूब रहती है उनके ही हाथ में जिससे एक आदमी को बचा सकते हैं। अगर जैसे ज़्यादा आदमी डूब रहे हैं, ज़्यादा अंदर है, इनकी बोट्स रखी हुई रहती है हर बीच में, तो जाते इतनी बढ़िया ट्रेनिंग रहती है कि बिना मोटर वाली बोट है और उसको हाथ से चला कर ये बचाते हैं। सो इट्स लाइक सोल्जर वर्क, और आप बोलो बहुत अच्छा काम है। हालांकि पेमेंट यहाँ पर इनका कम ही है, और ठीक है, जैसे अभी हो रही है 6:15 बज रही है, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया कि हम इधर से पूरा खाली करवा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि वो वहाँ पे खड़े हुए हैं कोस्ट गार्ड, उनका अपन इंटरव्यू नहीं ले सकते वो हाथ में लेके, तो सेफ्टी के लिए है। जैसे उन्होंने बताया कि अभी ये 7-7:30 बजे बाद पूरा ये एरिया भर जाएगा, तो हमें इससे पहले पूरा खाली करवाना है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर गोवा में आप रेनी सीजन में आ रहे हो तो भाई बीच पर मत जाना। जो एक और इन्होंने बात बताई कि आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर जाते हो ना, बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, लेकिन वो हमसे ही मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं। आपको जो लहरें दिख रही है ना, ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम अंदर जाओगे तो आपको बाहर खींचेगी, बट जो उन्होंने बताया मुझे कि ये है ना अंदर खींचती है। लाइक अगर आप जा रहे हो आपको ऐसा लगेगा कि लहर ऐसी आ रही है, लेकिन ये हवा से बन रही है, ऊपर का पानी है, जो नीचे आपको पानी खींचेगा ना अंदर वो अलग है। तो ये सब बातें बताई है इन्होंने, अच्छा लगा। हालांकि इंटरव्यू हो जाता तो और बेटर रहता, लेकिन मैं सब आपको बता रहा हूँ ये थोड़ी बहुत बातें। तो आप जब भी गोवा होगा आपको रिजेंबल होगा, रेड फ्लैग है इसका मतलब है, हाई टाइड सीजन है, ये तब तक रेड फ्लैग रहेगा, इसके आगे आपको नहीं जाना है। जैसे अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे है तो वो मना भी कर रहे हैं, बट टूरिस्ट मानते नहीं है और बहते हैं भाई, यहाँ लोग बहते हैं। मतलब एक अभी इंसिडेंट हुई है 3-4 दिन पहले कहीं बीच पे, तो और अभी वेगेटर बीच पे ऐसा ही माहौल है, मस्त है। आज क्रिकेट विकेट नहीं हो रहा है तो वो भी सीन है। फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पे भाई, फॉरेनर्स हैं, वेगेटर में भी फॉरेनर्स हैं, ठीक है। यही सब है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, कोई ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहा है, अपन सोलो एंजॉय कर रहे हैं, कोई कपल है, कोई लोकल है फॉरेनर्स के साथ, ठीक है, और कोई फोटो शूट कर रहा है। सब अपने अपने धुन में बिजी हैं, सब अपने अपने मजे ले रहे हैं, अपने अपने मोमेंट्स जी रहे हैं। तो आपसे भी यही कहूँगा कि आ जाओ यार, गोवा मस्त है और अभी अच्छा हो रहा है, मतलब ठीक है, बीच में ज़्यादा जाना नहीं, अगर आ रहे हो तो सेफ्टी से आ जाओ, जय। और वीडियो एंड करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिंदगी जी लो यार, फिर क्या भरोसा।
और ये वही वेगेटर बीच है जहाँ पे उस दिन मैं अकेला था। आज आपको बैक व्यू से बताता हूँ कितने टूरिस्ट आ चुके हैं। देखो आप, तो ये है वेगेटर बीच, 5th अगस्त इवनिंग 2021। आज देखो टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। तो यहीं एंड करते हैं अपन ये वीडियो, बाकी और गोवा की अपडेट में बताऊंगा। सी यू ऑन, जय हिंद।